खबर कानपुर से है, जहां चुन्नीगंज के एक्सएल रोड पर चेकिंग के दौरान ग्वाल टोली की ओर से एक एक्टिवा स्कूटी के साथ युवक आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। युवक को भागता देख पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। शक होने पर पूछताछ में पता चला कि युवक चोरी की स्कूटी चला रहा है। पूछने पर युवक ने बताया कि ये स्कूटी मेरे साथी अमित गुप्ता ने दी है, स्कूटी को लगभग हम 1.5 साल से चला रहे हैं। जांच के बाद पता चला कि स्कूटी चोरी की पहले से ही रिपोर्ट सीतामऊ थाने में दर्ज है, तो पकड़े गए युवक कलीम को व उसके साथी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस दूसरे साथी अमित गुप्ता की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। मोहम्मद कलीम। पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, कहाँ रहते हो? हम यही गम्मू खा के आते हैं। मकान नंबर? मकान नंबर 141/42 गम्मू खा का आता। अच्छा, 7 तारीख को? जी 7 तारीख को स्कूटी चलान हुआ था। जी गाड़ी की नंबर UPI 78/22 नीले कलर में। जी तो स्कूटी तुम ही चला रहे थे? जी हम ही चला रहे थे। किसकी गाड़ी थी वो? वो अमित गुप्ता की। अमित गुप्ता? जी। दूसरा क्या नाम है अमित गुप्ता? जी अमित गुप्ता, कोई और नाम है अमित गुप्ता का? उनका पूरा नाम यही है अमित गुप्ता। उनको यस यस कहते हैं सब लोग, उनका नाम है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता कब, अमित गुप्ता से गाड़ी कब लिए थे? ये हमें काफ़ी दिन पहले दिन था, करीब 7-8 महीने हो गए, 6-7। अच्छा, दिए थे। गाड़ी कब मांगे? हम तो मांगे नहीं, हमको फ़ोन करें था, कहने लगे चालान हुआ। हमने कहा जी भाई चालान हुआ है। कहने लगे गाड़ी कहीं जो है खड़ी कर दो। तो हमने कहा भाई गाड़ी आप ले जाओ आके। तो पूछे नहीं कि क्यों मांग रहे हो? तो फिर हम तो बताने लगे कि जो अच्छा, है वो कहे चालान हो गया है। जी वो कहे चालान हो गया है। हाँ चालान हो गया। और मेरे पास बताया कि वो कहे थे, वो फोन किया। हमने उनसे पूछा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हमने उनसे पूछा भाई चालान हो गया था तो मतलब? कहने लगे वो जो है जिनके नाम गाड़ी थी उन्होंने FIR करा दी, तो वो उसकी गाड़ी की FIR लिखी हुई है, तुम गाड़ी हमें दे दो। तो हमने भाई आप गाड़ी ले जाइए आके, हमको गाड़ी को हमने भाई मेरा नंबर वहाँ पे हमने चौकी में सब बिल्कुल वहाँ पे हमने सही सही सब कुछ बताया है। कहने लगे ठीक है आप जो गाड़ी कहीं या खड़ी कर दो या हमें गाड़ी दे दो। हमने भाई आइए आप रजपी रोड आइए, हमने गाड़ी ले लीजिए। गाड़ी कहाँ दिए थे उनको? गाड़ी वहीं रजपी इरफान सोलंकी कार्यालय की तरफ। अच्छा, इरफान सोलंकी कार्यालय में गाड़ी दिए थे? जी। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं अमित? अमित गुप्ता वो रहते हैं ये संगीत टाकिस के सामने। उनको कब से जानते हो? उनको तो हम बहुत सालों से। गाड़ी किसके नाम पर है? गाड़ी जो है वो प्रियंका शुक्ला की। अच्छा, प्रियंका शुक्ला को जानते हो? उनको हमने नहीं जानते। तो इसकी आवाज़ कम करो जरा सर, इसकी आवाज़ कम कर लिया भाई। तो प्रियंका शुक्ला तुम्हें कैसे पता प्रियंका शुक्ला नाम गाड़ी है? उन्होंने ही बताया था। कौन? भैया यस भैया। यस मतलब जब चालान हो रहा था हमने उनको, जी हाँ जब चालान हो रहा था तो हमने उनसे पूछा था, भैया ने हमसे पूछा कि जो किसके नाम गाड़ी, तो हमने बताया यश गुप्ता के नाम। कहने लगे गलत कह रहे हो। फिर हमने कहा उनका नाम यश गुप्ता है तो फिर कहीं गलत। प्रियंका क्या करती है ये सब हमें नहीं पता, नहीं जानकारी है। फिर हमने जो है उनसे पूछा, हमने भाई गाड़ी किसके नाम पे है? कहने लगे प्रियंका शुक्ला के नाम पे। अच्छा, प्रियंका शुक्ला पूछे नहीं कौन है ये? उनसे पूछे तो वो बताते हैं बीबी आएंगी। अरे बताते हैं बीबी है जी। कब महीना गाड़ी अपने पास रखे? गाड़ी तो हमारे पास जोड़ लीजिए।